Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So today we are going to discuss about seed dormancy. The quiescent stage of the seed. ऐसे स्टेज है सीड की जिसमें सीड जो है इज नॉट जर्मिनेटिंग, वो क्विजेंट होता है, वो डॉर्मेंट होता है. सो व्हाट इज सीड डॉर्मेंसी? सो वी नो दैट मोस्ट ऑफ द सीड्स व्हिच नॉर्मली बिगिंस टू जर्मिनेट सून आफ्टर दे लीव द पेरेंट प्लांट. नॉर्मल जो हमारे पास प्रोसेस है सीड्स का कि जब सीड्स मेच्योर हो जाते हैं तो सीड मेच्योरेशन के बाद क्या होता है, द सीड्स विल बी सेपरेटेड और दे विल शेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड नाउ they will germinate when they get suitable environmental conditions. But it is not the case for every seed. But there are some others which appears to be mature but do not germinate. So, सबसे पहले जो seed की germination के लिए जो basis है कि seeds के लिए ये conditions जो पूरी होनी चाहिए, उसमें सबसे पहली condition क्या है कि seed should be mature. तो जब भी plant के ऊपर या parent plant के सीड जो है वो राइपनिंग उसकी होती है, फ्रूट्स की राइपनिंग होती है, तो सीड जो है वो डिस्पर्स होता है और सीड वो डिस्पर्स होता है और जब वो सीड जो सीड मैच्योर होता है नाउ दैट पर्टिकुलर सीड विल जर्मिनेट. लेकिन कुछ सीड्स हमारे पास ऐसे होते हैं विच अपीयर टू बी मैच्योर, वो मैच्योर भी होते हैं, उनमें बाकी सारी कंडीशन जो है वो सीड की वाइबिलिटी की कंप्लीट होती है बट दे डू नॉट जर्मिनेट. So why they do not germinate? So we have only few plants. या अगर हम एक और कंडीशन में इसकी बात करें कि हमारे पास बहुत ही कम ऐसे प्लांट्स हैं which are able to function actively close to freezing point. तो temperature maximum और minimum की जब हम बात कर रहे होते हैं, there are only few species. प्लांट्स की बहुत ही कम स्पीशीज ऐसी हैं जो आर्कटिक में मौजूद हैं या और भी हमारे पास फ्रीजिंग एरियाज बहुत सारे हैं जिनमें बहुत कम स्पीशीज जो है वो सर्वाइव कर सकती हैं. बट What about those plants which live in the conditions where temperature remains near to freezing for weeks or months or for years? तो उन seeds का क्या या उन plants में क्या होता है जो ऐसे इलाकों में रहते हैं या उनका habitat जो है ऐसे इलाकों में है जहाँ पे temperature जो है दिनों के लिए या बहुत ही लंबे अरसे के लिए जो है वो freezing point में रहता है, तो वो क्या करते हैं, they produce a dormant seed. और वो डॉर्मेंट सीड क्या करते हैं, वो ऐसे हार्श कंडीशंस को, हार्श एनवायरनमेंट्स को, या वो चाहे वो समर के हों चाहे वो विंटर के हों, उनको ओवरकम करते हैं. एंड व्हेन दीज कंडीशंस आर ओवर एंड कंडीशंस आर फेवरेबल, सो नाउ दे विल जर्मिनेट. सो व्हाट इज सीड डॉर्मेंसी? सीड डॉर्मेंसी इज अ स्टेट इन विच सीड्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम जर्मिनेटिंग. सो रिमेंबर हियर वी आर यूजिंग द टर्म प्रिवेंटेड. उनमें सारे की सारी जो कंडीशंस हैं मैच्योरिटी की जहां तक कंडीशंस हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट की मोस्टली जो कंडीशंस हैं, दे आर कंप्लीट बट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम जर्मिनेशन इवन अंडर एनवायरनमेंटल कंडीशंस नॉर्मली फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन. बिकॉज वी रिक्वायर सर्टन एनवायरमेंटल कंडीशंस, सर्टन एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर द सीड्स टू जर्मिनेट. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मॉइस्चर, वी हैव अ टेम्परेचर, वी हैव अ डार्क पीरियड, तो ये सारे के सारे ह्यूमिडिटी. इसी तरह हमारे पास कुछ हद तक फोटो पीरियड जो है इट आल्सो हैज अ रोल इन द सीड डॉर्मेंसी, के कौन से सीड्स जो हैं वो कौन से, जब शॉर्ट डे में कौन से सीड्स डॉर्मेंसी की तरफ जाएंगे, लॉन्ग डे में कौन से सीड्स जो है डॉर्मेंसी की तरफ जाएंगे, बट इट इज अदर टॉपिक. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंपल डॉर्मेंसी. सो हियर द सीड्स में बाकी की सारी जो कंडीशंस हैं, वाइबिलिटी की जो कंडीशंस हैं, इंटरनल एक्सटर्नल मोस्टली जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, दे आर नॉर्मल, दे आर फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन. बट ऑल्दो द सीड इज प्रिवेंटेड far from germination. Why it is prevented? So mostly it is prevented because to overcome the harsh condition, either they are close freezing temperature or they are hot temperatures, for example 50 or 55. So these conditions are a complex combination of, so कौन सी conditions, ये जो हम बात कर रहे हैं environmental conditions, germinating even under environmental conditions. So environmental conditions हमारे पास कौन कौन सी हैं? These conditions are water, for example for the germination they require, seeds require water, they also require certain light period, temperature should be at normal jo uski sowing ke liye aur uski germination ke liye zaruri hai. So these conditions differ from different species. For example wheat jo hai usko germination ke liye jo hai low temperature chahiye hota hai, lekin hamare paas aur jo species hai, for example maize hai, usko jo hai slightly higher temperature chahiye hota hai. Is tarah light ki jo conditions hai, water ki jo conditions hai,
These are all different for different species. So these environmental conditions are different, are favorable. तो एक ये भी हो सकता है कि एक environmental conditions जो है they are favorable for one species and they are unfavorable for the other. There are certain gases which also inhibit the germination of the seed. तो उन gases की जो conditions हैं they are also normal, they are not inhibiting the seed and there are also mechanical restrictions like the seed coat. सीड कोट क्या करता है कि उसमें वाटर जो है वो एंटर नहीं हो सकता और जब हाइलम से या जो पोर वहां पे सीड में मौजूद होता है उससे वाटर एंटर नहीं होगा तो सीड की जर्मिनेशन में जो है वो रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं. सो दीज आर कॉल्ड मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शंस. सो ऑल्दो दीज ऑल द कंडीशंस आर फेवरेबल, इनको हम अगर ये भी कह लें कि दीज ऑल कंडीशंस आर फेवरेबल, बट इन कंडीशंस के बावजूद भी सीड की जो जर्मिनेशन है वो नहीं होती. और वो क्यों नहीं होती? बिकॉज उसको कुछ टाइम के लिए डिले कर दिया जाता है टू ओवरकम द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस. वी हैव सीड कोर्स एंड हार्मोन. सो दीज आर ऑल एनवायरमेंटल कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर आर फॉर द नॉर्मल जर्मिनेशन ऑफ द सीड. सो व्हाट इज अ डॉर्मेंट सीड? सो डॉर्मेंट सीड डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू जर्मिनेट. सो दैट पर्टिकुलर सीड डज नॉट हैव द कैपेसिटी और इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम जर्मिनेशन इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम अंडर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल फिजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट आर अदरवाइज फेवरेबल फॉर इट्स जर्मिनेशन. सो व्हाट इज अ डॉर्मेंट सीड? डॉर्मेंट सीड और नॉर्मल या वायबल सीड या नॉर्मल सीड और डॉर्मेंट सीड में हम क्या कैसे फर्क कर सकते हैं? डॉर्मेंट सीड में भी जो कंडीशंस हैं आइदर दे आर फिजिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस आइदर दे आर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस लाइक द गैसेस एटसेट्रा दे आर ऑल एट नॉर्मल लेवल. वो सारे के सारे जो है वो दोनों सीड्स में नॉर्मल है. बट डॉर्मेंट सीड डज नॉट हैव द कैपेसिटी, उसमें वो कैपेसिटी मौजूद नहीं होती. और वो कैपेसिटी कब आएगी उसके पास? वो कैपेसिटी उस वक्त आएगी जब वो टाइम के साथ उसने उसको डिवेलप किया हुआ है कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक फॉर एग्जाम्पल इन मंथ्स में इस पीरियड में जो है सीड ने डॉर्मेंट रहना है और जब ही ये पीरियड जो है इट विल बी ओवर देन द सीड्स विल जर्मिनेट. सो इफ द सीड फेल्स टू जर्मिनेट इवन अंडर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन इट इज सेड टू बी डॉर्मेंट एंड दिस स्टेट ऑफ द सीड इज कॉल्ड डॉर्मेंसी. तो डॉर्मेंसी को हम एक सिंपल वर्ड में हम ऐसे भी बता सकते हैं कि सीड्स के पास सारी की सारी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो फेवरेबल हैं, दे आर फेवरिंग द जर्मिनेशन ऑफ द सीड, बट लेकिन फिर भी जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो रहा इवन अंडर द एनवायरमेंटल कंडीशन, नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन, फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन. नाउ दिस पर्टिकुलर सीड इज सेट टू बी डॉर्मेंट. और ऐसा सीड जो डॉर्मेंट कंडीशन में हो और ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं? दैट पर्टिकुलर स्टेट इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी. दिस पर्टिकुलर डॉर्मेंसी इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू सीड्स, वी हैव आल्सो बर्ड डॉर्मेंसी. कुछ बर्ड्स भी हमारे पास ऐसी होती हैं विच जर्मिनेट और विच ग्रो इन सर्टन एनवायरमेंटल कंडीशन. तो डॉर्मेंसी इज नॉट लिमिटेड ओनली टू सीड्स. सो इन सच केसेस द कंप्लीटली ड्राई राइप सीड इज फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव. तो प्रिवेंटेड जो अभी हमने लास्ट टाइम जो है वो एक टर्म यूज की थी, प्रिवेंटेड द सीड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम जर्मिनेशन. तो किस तरह प्रिवेंट किया जाता है? द कंप्लीटली ड्राई राइप सीड. सो दिस कंडीशन दिस टर्म इट इज द सीड इज ड्राई एंड इट इज राइप. उसकी जो कंडीशंस हैं डेवलपमेंट की जो कंडीशंस हैं दे आर कंप्लीट बट इट इज फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव. उसमें जो जर्मिनेशन की जो एबिलिटी है फिजियोलॉजी मेटाबॉलिज्म है दैट इज ऑन द रेस्टिंग स्टेज. वो उस लेवल के ऊपर नहीं है कि वो सीड जो है उसमें जर्मिनेट कर सके. द सीड इज कॉल्ड द डॉर्मेंट एंड द फिनोमेना इज टर्म्ड एज द डॉर्मेंसी. सो डॉर्मेंसी इंसिडेंटली हेल्प्स इन ओवरकमिंग अनफेवरेबल कंडीशन. तो सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग है, इंपॉर्टेंट बात जो है डॉर्मेंसी के लिहाज से, डॉर्मेंसी का असल में जो मकसद है, जो पर्पज है, इट इज टू ओवरकम द अनफेवरेबल conditions. वो अनफेवरेबल कंडीशन डिपेंड अपॉन द स्पीशीज. स्पीशी के लिए जर्मिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी आगे जो है यील्ड के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, स्पाइक्स बनने के लिए. फॉर एग्जाम्पल इफ द प्लांट बिलोंग्स टू फैमिली पोएसी तो फ्रूट्स बनने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स है. सो दीज रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस कंडीशन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीशीज. दिस डॉर्मेंसी विल इंसिडेंटली हेल्प्स इन ओवरकमिंग the unfavorable conditions which are not favorable for the species. So in majority of the cases true dormancy helps the seeds to survive through an unfavorable season, a very cold winter or a very hot summer. So abhi hum yahi baat kar rahe the ki ya to wo environment jo hai wo ya to bahut hi zyada thanda hai, temperature bahut hi kam hai, ya temperature bahut hi zyada hai. To dono extremes ke upar jo
environmental conditions हैं, they are not favorable for seed to germinate. अगर ऐसी environment में seed germinate हो भी जाए तो आगे जो seedling बनेगा और उससे जो plant है उसकी जो success की percentage rate will be very low. क्योंकि आगे जब सीड टर्मिनेट हो जाता है रेडिकल और प्लोम्यूल से स्टेम और रूट निकल आते हैं तो कॉटिलीडन्स जब बनती हैं तो उसको ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस चाहिए होती हैं कि वो अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए जो है वो अपने आप को स्टेब्लिश कर सके. क्योंकि स्टार्टिंग का जर्मिनेशन इज द वेरी क्रिटिकल, सबसे क्रिटिकल स्टेज जो प्लांट की होती है वो जर्मिनेशन की होती है. एक दफा जर्मिनेशन हो गई, कॉटिलीडन्स डिवेलप हो गए, उन्हें फूड सप्लाई करना शुरू कर दिया, प्लांट ने खुद को स्टेब्लिश कर दिया, देन द प्लांट विल हैव द कैपेसिटी टू डिफेंस की कैपेसिटी भी उसमें मौजूद होगी, न्यूट्रिशन अपने फूड बनाने की कैपेसिटी भी उसमें मौजूद होगी. लेकिन मसला कहाँ भी होगा वो जर्मिनेशन में होगा. अगर जर्मिनेशन गलत टाइम पे होगी और आगे जो है कंडीशंस फेवरेबल ना हुई तो वहाँ पे सक्सेस का रेट जो है इट विल बी वेरी लो एंड देर आर चांसेस ऑफ द डाइंग ऑफ द प्लांट. तो दैट्स वाई द सीड इज सीड बिकम डारमेंट और वो अनफेवरेबल कंडीशन को सीड की फॉर्म में ही ओवरकम करता है और जब इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो वो जर्मिनेट होता है और प्लांट जो है उससे. हाउएवर इन मेनी केसेस ए वायबल लिविंग सीड विल नॉट जर्मिनेट इवन दो ऑल द नेसेसरीली इन्वायरमेंटल कंडीशन फॉर ग्रोथ आर सेटिस्फाइड एंड दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड सीड डोरमेंसी. तो सीड डोरमेंसी इंट्रोड्यूसेस ए टेंपोरल डिले. वॉट इज टेम्पोरल डिले? डिले ऑफ टाइम. वो क्या करती है, कुछ टाइम के लिए उसको डिले कर देती है. ऑल्दो दिस पर्टिकुलर सीड हैज अ कैपेसिटी, दिस पर्टिकुलर सीड इज वायबल, उसकी वायबिलिटी जो है वो इफेक्ट नहीं हुई, वायबिलिटी उसमें मौजूद है, वो नॉर्मल सीड है, बाकी सारी कंडीशन भी जो सीड की जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो कम्प्लीट है. बट द सीड वट इट डज इट इंट्रोड्यूस अ टेम्पोरल डिले. वो कुछ टाइम के लिए उसमें डिले काज कर देता है इन द जर्मिनेशन. That provides additional time for seed dispersal over greater geographical distances. तो एक तो हमने एक बात कर ली कि seed dormancy से क्या होता है. Seed dormancy unfavorable conditions को overcome करने के लिए जो है वो it is helpful. And second thing is that कि अगर seeds को temporal delay उसमें हो जाए कुछ time के लिए, एक month का, दो month का या तीन month का, तो जैसे ही seed mature हुआ now the seeds will get the time for the dispersal. वो seed जो है बहुत ही ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जो है उसको डिस्पर्स किया जा सकता है, बजाय इसके कि जैसे ही सीड मेच्योर हो और उसके जर्मिनेशन का टाइम आ जाए तो उसको डिस्पर्सल का टाइम ही नहीं मिलेगा. सो दीज आर द टू बेसिक टू मेन एडवांटेज ऑफ द सीड डोरमेंसी के उसको एक तो डिस्पर्सल के लिए जो है, एक लॉन्ग टर्म डिस्पर्सल के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए जो है उसको टाइम मिल जाता है कि इट कैन बी डिस्पर्स फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज. एंड सेकंड थिंग इज दैट अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी उसके लिए साजगार नहीं है तो उसके वो क्या करता है, उसमें भी डिले जो है उसके लिए फायदेमंद है. सो इट आल्सो मैक्सिमाइजेस सीडलिंग सर्वाइवल बाय प्रिवेंटिंग जर्मिनेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, द थिंग व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड. के क्या होता है कि अगर प्लांट सीड जो है ऐसी इन्वायरमेंट में जर्मिनेट हो जाए कि जर्मिनेट तो सीड हो गया लेकिन आगे का जो कंडीशंस है प्लांट के लिए दे आर अनफेवरेबल, तो प्लांट की जो सक्सेस का रेट है आगे सीडलिंग से या सीड से प्लांट बनने का वो जो रेट है इट विल बी वेरी लो बिकॉज द कंडीशंस आर अनफेवरेबल. तो इससे क्या होता है कि अगर कंडीशंस जब फेवरेबल हो और उस वक्त जर्मिनेशन हो तो इट विल मैक्सिमाइज द सीडलिंग सर्वाइवल. तो जितना ज्यादा कंडीशन फेवरेबल होंगी तो उसके लिए मैक्सिमम चांसेस होंगे सीडलिंग के सर्वाइवल के और आगे उसके सक्सेस रेट के. So as far as the seed dormancy is concerned, we have different types on the basis. For example, we have a court-imposed dormancy and we have embryo dormancy. So, जहाँ तक types की बात है seed dormancy की, कि कुछ हमारे पास dormancies ऐसी हैं which are imposed by the seed coat or testa. तो कुछ हमारे पास seeds ऐसे होते हैं जिसमें seed coat is impermeable to certain gases and impermeable to water. उस वजह से जो dormancy cause होती है, that particular dormancy is called as court-imposed dormancy. And second, we have embryo dormancy when embryo is immature or it has not reached to the its mature stage. So that particular dormancy which is caused by the immature embryo or the जो उसमें कोई जो है dysfunctioned embryo, so that particular dormancy is called as embryo dormancy. तो यहाँ पे एक जो चीज देखने की है वो ये है कि because we use different plants for our own purpose, for food purpose, for feeding our animals. तो इनके लिए जो हम प्लांट्स जो है वो यूज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये डॉर्मेंसी हमेशा हमारे लिए फायदे के लिए ही हो. हम क्या करते हैं, इस डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए अगर हमें चाहिए कि हम जैसे सीड मेच्योर हुए हम उनको डॉर्मेंट कंडीशन में रखने की बजाय
हम चाहते हैं कि उनको हम ग्रो करें और हम उनसे जो है आगे प्लांट्स उससे बने, कंडीशंस हम खुद उसको फेवरेबल दें या उनको हम ग्रो करना चाहते हैं किसी भी ग्रीन हाउस में. सो नाउ वी कैन ब्रेक दैट पर्टिकुलर डायमेंसी एंड वी हैव डिफरेंट मेथड्स टू ब्रेक कोटिंग पोस्ट डायमेंसी एंड एम्ब्रियो डायमेंसी. तो तभी ब्रेक होगी जब उसका एम्ब्रियो जो है विल रीच टू द पर्टिकुलर स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट. So as far as the coat imposed dormancy is concerned, it is a dormancy imposed on the embryo by the seed coat and other enclosing tissues. So what is coat imposed dormancy? Coat imposed dormancy is a dormancy which is caused by the embryo, imposed on the embryo. So embryo jo hai wo normal halat mein, normal condition mein, ek particular developmental stage ke upar maujood hai. But here we have a seed coat and other enclosing tissues. So seed coat ho gaya aur embryo ke ird gird jo surrounding tissues hain वो जो है क्या करते हैं, दे काज दे प्रिवेंट द सीड फॉर जर्मिनेशन. एंडोस्पर्म, पेरिकार्प और एक्स्ट्रा फ्लोरल ऑर्गन, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, दीज ऑल आर इंक्लोजिंग टिश्यूज. तो इस सीड कोट के अलावा वी हैव अदर सर्टन टिश्यूज, आइदर इट इज एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म क्या है, दिस इज अ ट्रिप्लॉइड. एंडोस्पर्म क्या है, फीडिंग का एक स्ट्रक्चर है, फीडिंग का एक टिश्यू है विच विल फीड द सीड. जब जर्मिनेट हो रहा होता है तो एंडोस्पर्म एक्ट एज अ फूड. वी हैव अ पेरिकार्प व्हिच इज अ फ्रूट वॉल एंड एक्स्ट्रा फ्लोरल ऑर्गन्स. तो ये सारे के सारे दीज आर इंक्लोजिंग टिश्यूज. सो दिस पर्टिकुलर डॉर्मेंसी व्हिच वी कॉल कोट इंपोज डॉर्मेंसी, इट इज कॉल्ड और इट इज इंपोज्ड ऑन द एम्ब्रियो और इट इज इंपोज्ड बाय द सीड कोट ऑन द एम्ब्रियो और अदर इंक्लोजिंग टिश्यूज. तो इंक्लोजिंग टिश्यूज में हमारे पास इट इज आइदर इट मे बी एंडोस्पर्म और इट मे बी पेरिकार्प और इन सम केसेस इट मे बी extra floral organs. So the embryo of such seeds will germinate readily in the presence of water and oxygen once the seed coat and other surrounding tissues are either removed or damaged. Kyunki ye jo dormancy hai, this particular dormancy is caused either by the seed coat, impermeable seed coat, ki usse ya to oxygen jo hai uski transport nahi ho rahi ya usme water ke transport jo hai wo hindrance create ho rahi hai. To jaise hi us seed coat ko अगर हम रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा, दिस पर्टिकुलर हिंड्रेंस विल बी, इसको हम खत्म कर सकते हैं और जब वो ऑक्सीजन और वाटर की ट्रांसपोर्ट हो जाएगी सो नाउ द सीड विल जर्मिनेट. तो ये बात सिर्फ सीड कोट के लिए नहीं है. इफ द अदर सराउंडिंग टिश्यूज कॉजिंग द डॉर्मेंसी व्हेन दे आर रिमूव्ड और दे आर डैमेज्ड, सो दैट पर्टिकुलर सीड डॉर्मेंसी कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन. तो उसको भी हम इन सीड्स को, इन टिश्यूज को ब्रेक करने से, इन टिश्यूज को डैमेज करने से, जो इंक्लोजिंग टिश्यूज हैं एम्ब्रियो के, अगर एम्ब्रियो नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल हालत में मौजूद है, सो नाउ दिस पर्टिकुलर व्हेन दीज टिश्यूज आर डैमेज्ड आर रिमूव्ड, द एम्ब्रियो विल जर्मिनेट. सो एज फार एज द टाइप्स ऑफ सीड डॉर्मेंसी आर द कोट इम्पोज डॉर्मेंसी आर कंसर्न्ड, वी हैव फाइव बेसिक मैकेनिज्म ऑफ कोट इम्पोज डॉर्मेंसी. सो फर्स्ट वी हैव प्रिवेंशन ऑफ वाटर इनटेक. अभी हम बात कर रहे थे, अभी जो हमने लास्ट स्लाइड में और लास्ट सेंटेंस में, लास्ट स्टेटमेंट में बात की कि द कोट इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड ऑक्सीजन. इम्परमिएबिलिटी का क्या मतलब है, उससे इनकी ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही. सो फर्स्ट हमारे पास जो टाइप है कोट इम्पोज डॉर्मेंसी की, दिस इज फॉर वाटर अपटेक. सो नाउ द सीड कोट इज प्रिवेंटिंग फॉर वाटर अपटेक. सो प्रिवेंशन ऑफ वाटर अपटेक बाय द सीड कोट इज ए कॉमन काज ऑफ सीड डॉर्मेंसी. इट इज फाउंड इन फैमिलीज फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स. एरिड और सेमी एरिड रीजन हमारे पास कौन कौन से हैं, जिसमें जो रेनफॉल है इट इज फार मोर लेस. एरिड रीजन हमारे पास जो है, फॉर एग्जाम्पल पोठवार रीजन है, वो सारे के सारे एरिड है, जिसमें पांच डिस्ट्रिक्ट आते हैं, चकवाल, जेहलम, रावलपिंडी वाले, अटक, और ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं दे आर फ्रॉम पोठवार रीजन. तो ये एरिड और सेमी एरिड टाइप के रीजन है. एरिड रीजन की जो एग्जाम्पल है वो हमारा डी आई खान का जो रीजन है इट इज, और इससे अगर आप ऊपर चले जाएं दमान की साइड के ऊपर, द्राबन की साइड के ऊपर, नरजिंदा की साइड के ऊपर, इसी तरह पनियाला की साइड के ऊपर. सो दीज आर ऑल एरिड एरियाज वेयर द रेनफॉल इज लेस देन 250 mm पर एनम. एक साल में 250 मिलीमीटर से बारिश यहाँ पे कम हो तो उसको हम एरिड मिलाते हैं, और इससे ज्यादा जब हो जाए तो वो सेमी एरिड में आ जाता है. फिर इसके बाद और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, वी हैव सब एरिड, वी हैव सब ह्यूमिड, ह्यूमिड एरियाज. So here we are talking about the arid and semi-arid regions. So as far as this particular first type of coat imposed dormancy is concerned, this is found in the arid and semi-arid regions. Or ऐसी regions में हमारे पास क्या होता है कि seed coat जो है वो water को
अपटेक जो है उसको प्रिवेंट करता है। तो अगर उसमें वाटर नहीं जाएगा, वाटर की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, तो सीड विल नॉट जर्मिनेट। सो एज फार एज द स्पीशीज आर कंसर्न्ड, वी हैव अमंग द लेग्यूम द फैबेसी फैमिली सच एज क्लोवर, ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम स्पीशीज, वी हैव मेडिकागो स्पीशीज। सो दीज टू बिलोंग्स टू फैबेसी। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्पीशीज इन विच देयर इज ए सीड कोड विच डू नॉट प्रिवेंट विच प्रिवेंट द वाटर अपटेक। सो along with it we have wax cuticles, suberized layers and lignified sclerites all combined to restrict the penetration of water into the seed. So these are all compounds that wax cuticles and suberized layers and lignified, these are all the waxy material. They are hydrophobic, so when there are hydrophobic molecule, so it will restrict the movement of water.